भारतीय अदाकार ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में जेरे इलाज थे। उनमें 2018 में कैंसर की तशखीस हुई थी और न्यूयॉर्क में जेरे इलाज रहने के बाद वो सितंबर 2019 में भारत वापस लौटे थे। ऋषि कपूर का नाम बॉलीवुड में एक ऐसे सदाबहार अदाकार के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपने रोमानवी और जज्बाती अदाकारी से तकरीबन 3 दहाई से भी ज़्यादा नाजरीन के दरमियान अपनी खास शनाख्त बनाई। वो 4 सितंबर 1952 को मुंबई में पैदा हुए। उनको अदाकारी का फन विरासत में मिला था। उनके वालिद राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और हिदायतकार थे। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज वालिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर से किया। उन्होंने 1973 में अपने वालिद राज कपूर के बैनर तले बनने वाली फिल्म बॉबी से बतौर हीरो अपने सफर का आगाज किया। 1975 में उनकी फिल्म खेल खेल आई, जिसकी कामयाबी के बाद ऋषि कपूर बतौर अदाकार अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उनकी नीतू सिंह के साथ जोड़ी काफी मशहूर रही। दोनों ने फिल्म रफू चक्कर, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, अनजाने, दुनिया मेरी जेब में, झूठा कहीं का, धन दौलत, दूसरा आदमी और दीगर फिल्मों में एक साथ काम किया। 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथोनी ऋषि कपूर के फिल्मी कैरियर की अहम फिल्म साबित हुई। यही वो साल है जब ऋषि कपूर की एक और सुपरहिट फिल्म हम किसी से कम नहीं रिलीज हुई। नासिर हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म का नगमा बचना ए हसीनों लो में आ गया आज भी नौजवानों का पसंदीदा नगमा है। ऋषि कपूर 1979 में विश्वनाथ की फिल्म श्री श्री मुआ के हिंदी रीमेक फिल्म सरगम में जलवागर हुए, जो उनके कैरियर की एक अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन अदाकारी के बाइस वो पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किए गए। 1980 में फिल्म कर्ज ने ऋषि कपूर को शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म का गीत ओम शांति ओम नाजरीन के दरमियान काफी मकबूल हुआ। 1982 में उनकी फिल्म प्रेम रोग में उनकी अदाकारी का मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिला। ऋषि कपूर ने 1986 में फिल्म प्रेम ग्रंथ से हिदायतकारी के मैदान में भी कदम रखा। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुई, लेकिन ऋषि कपूर की अदाकारी की हर जानिब तारीफ की गई। उन्होंने फिल्म आ अब लौट चलें और कारोबार को भी डायरेक्ट किया, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। ऋषि कपूर ने 4 दहाई के अपने तवील फनी कैरियर में तकरीबन 150 से जायद फिल्मों में काम किया। उनकी अहलिया नीतू सिंह भी अपने जमाने की कामयाब हीरोइन रह चुकी हैं, जबकि उनका बेटा रणबीर कपूर आजकल बॉलीवुड में काफी मकबूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।